समस्त मातृ शक्तियों सादर जय श्री कृष्ण। यदि आप हरताली का तीज का व्रत आरंभ कर रही हैं या पहली बार शुरू कर रही हैं तो आपको इन 10 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, वरना इस व्रत का पूरा पूरा फल नहीं मिलेगा। तो आज आपको हम धर्म शास्त्रों के अनुसार बताएंगे कि आपको हरताली का तीज के व्रत में किन खास नियमों का पालन करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो अखंड सौभाग्य और उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। तो इस बार यह व्रत दिनांक 18 सितंबर 2023 को हरताली का तीज का व्रत रहेगा। यह जो व्रत है करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन माना गया है। तो कहते हैं कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में रह करके सालों तक कठोर तपस्या की थी और हरताली का तीज के दिन भगवान भोलेनाथ जी ने प्रसन्न होकर के देवी पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो हरताली का तीज व्रत बेहद प्रभावशाली व्रत है, लेकिन इस व्रत के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अगर आप भी पहली बार हरताली का तीज व्रत रख रही हैं तो यह खास नियम पूजन की विधि आपको जान लेना अति आवश्यक है, इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो व्रत कैसे आरंभ करना चाहिए? पहली बार हरताली का तीज व्रत रखने वाली हैं तो अपनी मान्यताओं के अनुसार, परंपराओं के अनुसार इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। तो कहते हैं कि पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है आजीवन उसे वैसे ही निभाना चाहिए। ध्यान रखें कि निर्जल या फलाहार व्रत का संकल्प लें उसे पूरा जरूर करें। आप अपनी शक्ति के अनुसार प्रारंभिक संकल्प लें तभी इस व्रत को धारण करें। तो हरताली का तीज की अवधि का आपको ध्यान रखना चाहिए, कितने समय तक यह व्रत रखा जाता है। हरताली का तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन यानी चतुर्थी के सूर्योदय पर इस व्रत की अवधि समाप्त होती है। हरताली का तीज में पानी आप पी सकती हैं या नहीं? धर्मशास्त्रों के अनुसार हरताली का तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाले व्रती को अगले जन्म में वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम नहीं हो तो फलाहार का व्रत आप धारण कर सकती हैं। तो इस समय में आपको पूजा नहीं करना चाहिए। अगर हरताली का तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो व्रत बताए गए समय के अनुसार ही आपको खोलना चाहिए, यानी उस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। बीच में यह व्रत छोड़ने का विधान नहीं होता है। एक बार हरताली का तीज का व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है, व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश यह व्रत नहीं कर पाए तो इसका उद्यापन आपको कर देना चाहिए और परिवार की दूसरी महिलाओं को यह व्रत सौंप देना चाहिए ताकि इसका क्रम बना रहे। इसमें रात्रि जागरण का क्यों विधान है? शास्त्रों के अनुसार हरताली का तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि सोना वर्जित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती है वे अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती है। इस व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पार्वती जी की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल प्राप्त होता है। इस व्रत में 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व होता है। यह सुहाग का पर्व होता है। इस दिन सुहागिनों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके शिव जी पार्वती जी की पूजा श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो मेहंदी जरूर लगाना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि इससे भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होकर के सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो कथा में दान के बिना यह व्रत अधूरा माना गया है। हरताली तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी की विधि विधान से, मिट्टी अथवा बालू रेती के बना करके विधि विधान से श्रद्धापूर्वक इसमें पूजा करना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए, इसके साथ ही कथा का श्रवण करना चाहिए। चारों प्रहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती जी को चढ़ाया गया सिंदूर अपने माथे पर लगाना चाहिए और सुहाग की सामग्री किसी ब्राह्मणी को दान में देना चाहिए। इससे इस व्रत का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। व्रत पारण का विधान इस प्रकार से है।
हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान करके विधिवत शिवजी पार्वती जी की श्रद्धापूर्वक पुनः पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के या बालों के शिवलिंग विसर्जन कर देवें और फिर प्रसाद लेकर के इस व्रत को खोलना चाहिए। तो हरतालिका तीज व्रत में यह काम आपको करने से बचना चाहिए। इस दिन व्रती को काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, यह बड़ा ही अशुभ माना गया है। हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध लालच अहंकार पर काबू पाना चाहिए। विवादों की बातों से ज़्यादा आपको उनमें नहीं उलझना चाहिए। किसी की निंदा बुराई नहीं करना चाहिए, इनको अनदेखा आपको अवश्य करना चाहिए। पति या घर के बुजुर्गों से बेवजह बहस नहीं करना चाहिए। किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करें, किसी का अपमान नहीं करें। हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन ही आपको बनाना चाहिए और इस दिन आपको सत्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक भगवान शिव जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए तो इस व्रत का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।